हेलो, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई सभी के? तो हालचाल सभी के ठीक होंगे। कितने लोगों को ये परेशानी हो रही है आजकल कि सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं। कितने लोगों को ये दिक्कत आ रही है, पहले तो ये बताओ कि मॉक में सर नंबर नहीं आ पा रहे हैं। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं पर मॉक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, खास तौर पर मैथ्स में। खास तौर पर मैथ्स में ये दिक्कत आप लोगों को ज़्यादा परेशान करती है, सर मेरे को, मुझे तो। देखो, एक बार जो आप मॉक को दिमाग की जगह दिल से देकर देखो, मतलब कि बिना प्रेशर लिए दिमाग पर आप जो बर्डन लेते हो ना मॉक देते समय, वो एक बार अपने दिमाग से बर्डन निकाल कर एक बार आप मॉक में परफॉर्म। ये मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर मॉक देता हूँ, या देता था जब मैं स्टूडेंट मतलब प्रिपरेशन करता था, तो मेरे स्कोर इतना अच्छा नहीं आता था। लेकिन जब मैं टेंशन फ्री होकर मॉक देता ना, बिल्कुल ठंडे दिमाग से एकदम काम एंड कंपोज होकर मॉक देता था, तो अच्छा स्कोर आता था। लेकिन उस अच्छा स्कोर आने की कंडीशन ये है कि आपके कम से कम कंसेप्ट तो क्लियर हो। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कितना भी ठंडा दिमाग रख लो, आएगा ही नहीं कुछ क्वेश्चन पेपर में, राइट? तो इसीलिए पहले अपने अपने सबको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और उसके बाद एकदम काम एंड कूल कंपोज होकर जो है पेपर आपको देना है। सो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा, एक बार ट्राई करके देखना। और दूसरी चीज कि कभी भी मॉक ऐसे मत दो जो बहुत टफ हो। मतलब कई सारी कंपनीज, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बहुत टफ पेपर बनाते हैं। मतलब एक आध तो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो मैंने ये देखा है कि जो बैंकिंग की टेस्ट सीरीज है ना, वो पूरी की पूरी कैट की टेस्ट सीरीज के नाम वाम चेंज करके क्वेश्चन एज इट इज रख देते हैं। मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट्स के जो कैट के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका नाम चेंज किया, एज इट इज आपको मॉक में दे दिया, और आपको लगता है वाह 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 क्या सवाल था, इसमें तो मैं एक भी नहीं कर पाया, ये तो बहुत ही टफ थी, बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर था। पर भाई पेपर में जब वैसा आना ही नहीं है तो उससे करने का क्या फायदा? अभी मैं आपको अगर IIT JEE का पेपर दे दूँ मैथ्स में, तो क्या आप एक भी क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मुश्किल से एक दो कर भी लिए, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है तो वो कर भी लेगा, वरना तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के तो 0 नंबर आएंगे, है ना? तो क्या वो अच्छे लेवल का पेपर है? नहीं। अच्छा लेवल मतलब वो जो एग्जाम लेवल का हो, तो वही मॉक आप करें जो एग्जाम के लेवल का मॉक हो, ठीक है? और ये आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम लेवल का कौन सा है? तो उसके लिए आपके पास सोशल मीडिया है, ठीक है? जितने टेलीग्राम ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, अपनी अपनी क्वेरी डालो, कई सारे लोग अपने ओपिनियन रखेंगे, फिर सेलेक्ट करो, फिर डिसाइड करो, राइट? हमारे ज़माने में तो ये सब फेसबुक ग्रुप वगैरह, सोशल मीडिया ये सब होता नहीं था, है ना? तो हम तो मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स वगैरह चलती थी, मतलब सोशल मीडिया फोरम हुआ करते थे, वहाँ पर लोग अब थ्रेड डालते थे, कोई भी क्वेश्चन डालते थे तो उस पर डिस्कशन थ्रेड होता था, तो वहाँ से हम जो है अपना ओपिनियन बनाते थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज बढ़िया है, कौन सी मतलब कहाँ से करंट अफेयर की प्रिपरेशन करें, कहाँ से रीजनिंग पढ़ें, राइट? लेकिन आज की डेट में तो आपके पास इतने सारे सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया इतना वास्ट हो चुका है कि आप कहीं भी अपनी क्वेरी डालेंगे तुरंत आपको आंसर उसका मिल जाएगा, राइट? तो चलिए फिर से एक बार सभी को गुड इवनिंग, और आज की बात हम शुरू करते हैं। आज जो है हम कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं किसकी? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का ऐसा टॉपिक है भाई जिसके मतलब 5 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। ये जो 5 मार्क्स जो हैं, और ये बहुत आसानी से आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है? अब घर पर तो आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, मुझे भी पता है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत आसान टॉपिक है, ये तो पेपर में ही कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, कभी कभी इसमें भी हम गलती कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे 5 मार्क्स ही। केवल आपको अपने बहुमूल्य समय में से 1 घंटा देना है, और 1 घंटे में पूरी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है? और इससे बाहर कुछ आएगा नहीं पेपर में, इतना ही मतलब इतना काफी है, ठीक है? बहुत टफ यहाँ पर चीजें नहीं आती हैं। तो पहला सवाल आज हमारे सामने है, तो आज का स्पीड बूस्टर सेशन जो है हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर देखो, दो इक्वेशन दी जाती है, एक एक्स के टर्म्स में और एक वाई के टर्म्स में। दोनों को हमें कंपेयर करना होता है, राइट? एक्स और वाई को कंपेयर करना होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, जरा ट्राई कीजिए सभी लोग। रूट वाले क्वेश्चन सोनाली, बहुत सारे देखो और भी न्यू पैटर्न भी होते हैं, तो एक काम करेंगे, अभी तो हम कर ले रहे हैं जैसे पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, एक आपको चाहिए बिल्कुल अलग ही लेवल के क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन या इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट क्लास भी ले लूंगा न्यू पैटर्न क्वेश्चन। हाँ जी,
तो जल्दी जल्दी आंसर करें। ऑप्शन डी यहाँ पर देव का आंसर आ रहा है, रविंद्र का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। ओके, सोनल का आंसर आ रहा है इक्वल, सॉरी लेस देन एक्स, वाई लेस देन एक्स। ओके चलिए, डी ज्यादातर लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है डी। चलिए देखते हैं। देखो पहला एक क्वेश्चन ये है, अगर मैं देखो 0.5 है पूरे में, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0.5 बढ़ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 7x2। इक्वेशन क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी 7x2, 11.5 का डबल हो गया 23x, और प्लस 9 का डबल कितना हो गया 18, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप ये समझो कि सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 7 होता है 126, 126 को दो पार्ट में ब्रेक करें 23 आना चाहिए। कैसे आएगा, 14 इंटू 9 126 होता है कि नहीं होता, तो दोनों में माइनस लगा दो तो -14 -9 का जो सम है -23 आ जाएगा, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, इनके साइन चेंज किए, 14 एंड 9 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो यानी कि 2 एंड एंड दिस इज व्हाट 1.72 14, ठीक है 1.28 के लगभग ये आएगा, राइट। ये दो रूट इसके हो गए। अब सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये है 8y² - 18y + 10। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 4y² - 9y + 5 = 0, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 5 × 4 कर दिया 20, 20 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि -9 आ जाए, तो 5 और 4 ही करेंगे ना, 5 और 4 -4, 5 एंड -4, तो y की वैल्यूज क्या आएंगी, इनके साइन चेंज किए हमने 5 एंड 4, और डिवाइड बाई 4, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, सो इट इज 1.25 एंड इट इज 1। अब बस काम करना है इनको कंपेयर करने का, तो मैं ये देखता हूं कि 2 जो है इन दोनों से बड़ा है और 1.28 भी इन दोनों से बड़ा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए तो डी कैसे आ रहा था आपका सबका शुरुआत में, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि सभी लोगों ने शुरुआत में डी बोला था कैसे, भाई बताइए जरा, मतलब क्या लॉजिक था, वो भी सबका एक, मतलब गलती भी सबकी एक जैसी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, या तो कॉपी पेस्ट करते हो आंसर एक दूसरे का, है ना, कॉपी पेस्ट मत करो, उससे कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इसको ट्राई करें। देखो एक प्रैक्टिस सेशन है, मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट की क्लास तो अलग होती है, ये प्रैक्टिस सेशन है, आपको लगभग 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसको ट्राई कीजिए सभी लोग। सर क्लास का टाइमिंग क्या है, देखो स्नेहा सुबह 9 बजे क्लास हो रही है मेंस की, और शाम को 8 बजे क्लास हो रही है प्री की, ठीक है, कल ये 8 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, कल मेरे को कुछ काम है, ठीक है, फिर कंटिन्यू हम करेंगे, लेकिन कल सुबह 9 बजे वाली क्लास होगी जिसमें अरिथमेटिक फॉर मेंस हमारी जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर आ रहा है, विनोद का आंसर आ रहा है, प्रिंसी का आंसर आ रहा है, देवी का आंसर आ रहा है, काशिफ का आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से कैंसिल कर सकता हूं, राइट, अगर मैं 3 से कैंसिल करता हूं पूरे को तो क्या बनेगा, 10x² - 11x - 6 = 0, ठीक। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, y² + 5y + 6 = 0, राइट। तो हम क्या करेंगे, 10 × 6 हो गया -60, -60 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया ताकि -11 आ जाए, कैसे आएगा, कैसे आएगा, 15 और 4 माइनस का 15 और प्लस का 4 कर दो, -11 आ जाएगा इनका सम, राइट। तो होगा क्या, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15 और -4 डिवाइड बाई वॉट 10, 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 1.5, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.4, ठीक। अगर इसको सॉल्व करें तो भाई इसको तो देखो क्लियर है, हमें 3 और 2 आएंगे, 5 लाना है तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड -2, तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1.5 तो पॉजिटिव है, इन दोनों नेगेटिव वैल्यू से बड़ा है, और -0.4 इन दोनों से बड़ा है, मतलब x इज ग्रेटर देन y,
आंसर इज x ग्रेटर देन y, दैट मीन्स ऑप्शन ए. क्लियर? ऑप्शन ए भाई, ई गलत है, जिनका ई आ रहा है दैट इज रॉन्ग. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑल राइट, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े. क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने. पहली क्वेश्चन है 13/2 -29/x +8 =0. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 12y square -22y +10 =0. बताए. ऑप्शन ए विनोद का आंसर है, रविंद्र का आंसर है, सी तेजा कह रहे हैं भैया कैन नॉट बी डिटरमिंड, सरिता कह रही है ए, क्या कह रहे हो सर, चलिए ऑप्शन ए. अभी निखिल आपका कमेंट दिख नहीं रहा है, एक सेकंड अब थोड़ा रुक जाना है ना, थोड़ा रुक के करना, अभी आंसर्स आ रहे हैं लोगों के. जरा यहां पर एक्स की वैल्यू निकालो. कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 29 बाई एक्स उधर चला गया. यहां क्या बचा, 13/2 +8, वो कैसे आएगा, 8 × 2 = 16, 16 + 13 = 29, 29/2 हो गया. तो इस 29 से 29 कट गया, x की वैल्यू तो 2 फिक्स हो गई, x की केवल एक सिंगल वैल्यू आई 2. y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, देखो इसको कर देते हैं 12 × 10 = 120, इससे मुझे 22 लाना है, तो कैसे लाऊंगा, 12 और 10 करूंगा, -12 - 10 -22 आ जाएगा. तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 12 एंड प्लस का 10, राइट, डिवाइड बाय ये करेंगे y square का कोफिशियंट 12, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 0.8. तो आप मुझे बताओ कि जो y x की जो वैल्यू है ये 2, ये y की दोनों वैल्यू से बड़ी है, मतलब x इज ग्रेटर देन y. ऑप्शन ए बड़े प्यार से और आराम से आंसर आ जाएगा. अब इसमें सी एंड डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सबके अलग अलग कैसे आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो दिक्कत इसमें कहीं कुछ है ही नहीं, राइट. चलिए सर 29/2 है, ओहो 29 बाई एक्स, तो गलत क्या है, मैंने गलत क्या किया भाई, गलत क्या है भाई, सही तो है, 29 बाई 2x नहीं है ये, 29/2 × x है. 29/2x कहां से लिख रहा है, अच्छा मैंने ही गलत, ओके अच्छा ठीक है, ये क्या है 29/2 × x, इक्वेशन मैंने यहां गलत लिख दी है, ओके 29/2 × x ये है इक्वेशन, है ना, तो ठीक है हो जाएगा 29/2 × x बराबर, ये कितना हो जाएगा 29/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 इसके बराबर है और इससे बड़ी है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मतलब ऑप्शन b इज द राइट आंसर, ना कि a, a गलत है, इसका आंसर क्या है, b है, ओके ए गलत है, बी सही आंसर है. राइट, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अगला सवाल यह है आपके सामने, जल्दी बताओ एक्स और वाई में कौन बड़ा है यहां पर. और जो भी लोग करना चाहें तो एक अच्छा काम कर दें, सेशन को शेयर कर दें. सर लक्ष्य प्रो से अभी सिंपली पढ़ा हूँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि आगे कुछ टॉपिक की प्रैक्टिस कहाँ से करना है बता दीजिए. निखिल जो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस है ना, उसके लिए आप एक गूगल नाम का सर्च इंजन बनाया गया है, उस पर आप सिंपल ये डालो, सिंप्लीफिकेशन PDF ऑफ प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जाम सिंप्लीफिकेशन PDF, तो आपको 3600 PDF मिल जाएंगी, उनमें से कोई भी 2-3 PDF डाउनलोड करके आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सफिशियंट है. ठीक है,
बी आ रहा है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। चलो देखते हैं यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -23 + 20 - 13 + 26 यानी कि +13 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ये x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आएगी। देखो 16 से मैं इसको काट सकता हूं। देखो y-1² कितना होगा, y-1² विल बी 2304 डिवाइडेड बाई 16, यही होगा। 16 × 1 = 7 बजे, 16 × 4 = 64 बचेगा 6, 16 × 4। अब यहां पर आपको केयरफुल रहना है, इसका जब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो +12 और -12 दोनों आना चाहिए, मतलब y-1 की वैल्यू +12 और -12 दोनों आनी चाहिए भाई। जब ऐसे ए स्क्वायर बराबर समथिंग है तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों आता है। तो y की वैल्यू क्या होगी, 12 + 1 = 13, -12 + 1 = -11। ये दो वैल्यूज y की आएंगी। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 13 इस 13 के बराबर है और 13 इस -11 से बड़ा है, मतलब x is either greater than or equal to y, ठीक है, x is either greater than or equal to y, that means option B is the correct answer, right? Option B is the correct answer. बात क्लियर है सभी को? Yes or no? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, पहली इक्वेशन है 14x + 22y = 58, 14x + 22y = 58। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 11x + 7y2y, 11x + 7y2y। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दोनों में से 2 लेकर उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा 11x + 7y = 12.5 का डबल हो गया 25, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, हाँ ऑप्शन ए भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब एक तरीका तो ये है कि भाई मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं, है ना, किसी एक कोफिशियंट को बराबर करूं, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूं, एक वेरिएबल एलिमिनेट करूं, फिर दूसरी वैल्यू निकालूं। दूसरा होता है एक ऑब्जर्वेशन मेथड जो कभी कभी आपके काम आ जाता है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मुझसे ये कहती है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 14 होगा, एक्स की वैल्यू 2 रखूंगा तो 14 × 2 = 28 हो जाएगा। तो मैं एक्स की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो ये हो गया 14, 14 में क्या ऐड करूं कि ये आ जाए, तो 58 - 14 किया तो 44 आया, 44 लाने के लिए y की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं और y की वैल्यू 2 रखता हूं तो 14 + 44 ये सेटिस्फाई कर जाएगा 58, राइट। ये मैंने हिट एंड ट्रायल से इस तरीके से सोची कुछ वैल्यू, और ऐसे ही अगर मैं यहां पर सोचूंगा तो क्या ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो x की जगह 1, y की जगह 2 रखो तो ये 14 + 11 = 25 सेटिस्फाई कर रही है। मतलब ये पक्का है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब x इज लेस देन y, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं ना, x इज लेस देन y, मतलब ये y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन सी। अदरवाइज आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, या 7 से मल्टीप्लाई कीजिए या 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू यहां पुट कीजिए, वाई की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक लंबा सा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और आंसर तो वैसे भी आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। या एक और तरीका मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान से समझना, बिना सॉल्व किए कैसे कंपेयर करें, ये देखो बिना सॉल्व किए कैसे कंपेयर करें, जैसे ऐड आते हैं ना, घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, घर बैठे करोड़पति कैसे बने, ठीक है, उसी तरीके से बिना सॉल्व किए कैसे आंसर निकालें वो समझिए। हम हमेशा, मतलब और ये हमेशा एप्लीकेबल है, आप इन दो इक्वेशंस का रेशियो ले लो, आप दो इक्वेशंस का क्या ले लो, रेशियो ले लो। अभी यहां तो वैल्यू बड़ी अजीब सी है, लेकिन कई बार वैल्यू बड़ी कन्वीनियंट होती है, आप आराम से कर सकते हो। 14x + 22y / 11x + 7y एंड दैट रेशियो इज इक्वल टू 58/25, ये हमने रेशियो ले लिया। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 25 × 10 = 250, 25 × 10 = 100, मतलब 350 हो गया, 350x, 25 × 22 करना है तो 25 × 20 हो जाता है 500, ठीक है, और 25 × 2 = 50, तो 550y,
58 इंटू 11 करना है तो 11 8 जा 88 कैरी 8 55 प्लस 8 63 एक्स प्लस 7 इंटू 58 7 8 जा 56 कैरी 5 35 प्लस 5 40 वाई ठीक है। फिर मैं इसी को इस वाले टर्म को इधर लेकर आऊंगा एक्स वाले टर्म को तो कितना हो जाएगा 36 38 माइनस 350 मतलब 300 माइनस 12 मतलब 288 एक्स एंड दैट इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आएगा 144 वाई। अभी आप मेरे को बताओ x अपॉन y कितना, कोई कैंसिल वैंसिल मत करो, आप चाहो तो कर सकते हो, टू टाइम्स कट जाएगा, x अपॉन y कितना आ जाएगा 1 बाई टू। मुझे दिख रहा है x 1 यूनिट है y 2 यूनिट्स है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि x छोटा है y से, x y से क्या है छोटा है राइट x y से क्या है छोटा है। एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हमेशा मैं दो इक्वेशन को डिवाइड करके ये पता कर सकता हूँ कि कौन सा वेरिएबल बड़ा है राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए x माइनस रूट 144 बराबर जीरो है ना, x माइनस रूट 144 बराबर जीरो और दूसरा है वाई स्क्वायर माइनस 196 बराबर जीरो। फटाफट क्विक आंसर दें, देखते हैं किसका आंसर यहाँ सही आता है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजिंग आंसर्स आएंगे, अलग अलग आएंगे। ई कह रहे हैं कुछ लोग ज्यादातर लोग ई कह रहे हैं सी एन डी। एक ने तो टूटे दिल के साथ ई लिखा है, कौन किसने लिखा है भैया, एट द रेट आंसर इनका नाम है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखो जरा x माइनस रूट 144 बराबर जीरो है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई रूट 144 हो गई, और जब भी ऐसे होगा ना तो एक पॉजिटिव आंसर ही आएगा 12, इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा। लेकिन जब एक स्क्वायर है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट आएंगे, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पर 196। तो ध्यान दीजिएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस 14 और माइनस 14 दोनों। अभी मैं 12 को कंपेयर करूं तो 12 इससे छोटा है और इससे बड़ा है, मतलब एक बार एक्स वाई से छोटा है एक बार एक्स वाई से बड़ा है, दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशन, एक डेफिनेट रिलेशन यहाँ पर नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यूज में एक डेफिनेट रिलेशन यहाँ पर नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन ई। चलिए अगला सवाल देखिए, रिचा बड़ी हंसी आ रही है टूटे दिल के नाम पर, हैं टूटे दिल के नाम पर इतनी हंसी क्यों आ रही, बेचारे ने देखो रोता हुआ इमोजी भेज दिया यहाँ पर, टूटे दिल के नाम पर इतनी हंसी आ रही है, लगता है बड़े बहुत सारे दिल तोड़े हैं आपने है? चलिए ऑप्शन ई यहां पर आंसर आ रहा है कई सारे लोगों का सी एन डी। चलिए देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 42 बराबर 214, अगर मैं इन इक्वेशंस को अब इसको इधर ले जाकर ऐड कर दूंगा तो ये 256 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 256 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 16 और माइनस 16 बोथ राइट, प्लस 16 और माइनस 16 बोथ। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 196 यानी 14, अभी प्लस 16 इससे बड़ा है और माइनस 16 इससे छोटा है, मतलब क्या आएगा नो रिलेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, सावधानी रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर एट आपके सामने है, ध्यान से ट्राई करें। हाँ जी जल्दी से बताइए। हाँ यहां पर कोई किसी ने कहा है, मेघना ने कहा है कि नो रिलेशन इज बेस्ट, रिलेशन अच्छी चीज है ही नहीं, तो वो कह रही है कि अगर नो रिलेशन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब आप क्वाड्रेटिक का कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आंसर नो रिलेशन ही लगाती है हमेशा, क्योंकि रिलेशन से उन्हें लेना देना ही नहीं है, रिलेशन के चक्कर में लफड़े में पड़ना ही नहीं है, सो नो रिलेशन लगा दो हमेशा। ऑप्शन ए यहां पर कह रहे हैं, हाँ जी देखते हैं। देखो अब इसको अब इतना दिमाग में आप कर सकते हो कि नहीं, इतने तो कैपेबल इतने तो काबिल बन चुके हो आप इसको दिमाग में कर सको। 56 को दो पार्ट में ब्रेक करना, माइनस 15 आना चाहिए, मतलब 8 और 7 कर दूं, माइनस 8 और माइनस 7, तो x की वैल्यूज आ गई प्लस 8 और प्लस 7, साइन चेंज करना मत भूलना ठीक है,
इस माइनस फाइव को दो पार्ट में ब्रेक करो ताकि सम आ जाए माइनस फोर। कैसे आएगा? माइनस फाइव इंटू प्लस वन, तो सम आ जाएगा माइनस फोर। तो y की वैल्यूज आ जाएंगी कितनी? फाइव एंड माइनस वन। क्या आ जाएंगी? फाइव एंड माइनस वन, राइट। एट जो है इन दोनों से बड़ा है और सेवन भी इन दोनों से बड़ा है, मतलब आई कैन से एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। ओके चलिए अगला सवाल देखें जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो, वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। सर क्या आपने भी किसी का दिल तोड़ा है? अरे भैया दिल जो है जानबूझकर नहीं तोड़ा जाता, जाने अनजाने टूट ही जाता है। हाँ जी, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर आया लोगों का, वाई ग्रेटर देन एक्स। देखो जल्दी से ध्यान से देखिए, ये नंबर आपको अगर देखें तो ये एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है, नहीं तो आप थ्री इंटू थ्री कर दो तो रूट्स आ जाएंगे माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। और ये नंबर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, वाई प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस टू। और आप ये देख पा रहे हो कि y जो है माइनस टू है, माइनस टू माइनस थ्री से बड़ा होता है, तो y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन सी। क्लियर? ओके चलिए अगला सवाल पढ़े। इन द गिवन क्वेश्चन टू इक्वेशंस नंबर्ड वन एंड टू आर गिवन, दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, ठीक है, तो कंपेयर करना वही, मतलब वही चीज है, बात वही है, क्वेश्चन अलग है, बस जल्दी से निकालो आंसर, फटाफट करते चलो सॉल्व। कोरोना ने दिल तोड़ दिया, कोरोना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी तो बड़ी घातक गर्लफ्रेंड है तुम्हारी भाई। हाँ सी आ रहा है यहां पर, देखो बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? थ्री। इसको मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे करूंगा? छह और चार, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? सिक्स एंड फोर। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्स की ये वैल्यू दोनों वैल्यू से छोटी है, तो हर किस सूरत हाल में एक्स वाई से छोटा है, यानी कि एक्स छोटा वाई से, वाई बड़ा एक्स से, ऑप्शन सी। ठीक अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी क्या रहा आंसर? ऑप्शन सी ए। हाँ जी सी ज्यादातर लोगों का आंसर है, काफी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं। देखो जरा 2 इंटू 14 कितना हो गया? 28। 28 को दो पार्ट में ब्रेक किया, 11 आना चाहिए, कैसे आएगा? 7 एंड 4, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? x की वैल्यू हो जाएंगी 7 बाई टू एंड 4 बाई टू, यानी कि 3.5 एंड 2, ठीक है। y की वैल्यू कैसे आएगी? इनका मल्टीप्लाई किया 36, 36 कैसे आएगा? 12 लाना है मुझे, 36 को फैक्टराइज करके कैसे लाऊंगा? 6 और 6, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा यहां पर भी आपको ये साइन चेंज करने थे, माइनस लगाना मत भूलना, माइनस जरूर लगेगा। यहां पर आएगी माइनस 6 डिवाइड बाई 4, और दूसरी भी माइनस 6 बाई 4, तो एक ही बार लिख लो, माइनस 1.5। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि माइनस 3.5 इससे छोटा है और माइनस 2 भी इससे छोटा है, मतलब x छोटा है y से, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से निकालो आंसर क्या होगा। हाँ जी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? फोर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस टू और माइनस टू, प्लस टू और माइनस टू। वाई ये इक्वेशन जो है वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस थ्री। वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री,
तो हम ये कह रहे हैं कि 2 इससे बड़ा है और माइनस 2 भी इससे बड़ा है, मतलब x ग्रेटर देन y है, ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. टॉपिक वाइज बिल्कुल कराएंगे स्नेहा, अभी बहुत समय हम मैं तो लगातार पढ़ा ही रहा हूँ आपको, सुबह भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर शाम को भी पढ़ा रहा हूँ. ऐसा कोई और टीचर बता दो यूट्यूब पर जो आपको इतना इतना समय यूट्यूब पर आज की डेट में दे रहा है इतनी रेगुलरिटी के साथ. तो सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं. ठीक है, आप कोई भी टॉपिक मेरे नाम से सर्च करो, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर. ऐसा नहीं, और ज़्यादा ही पूरा ही पढ़ना है भैया तो फिर आप ब्रह्मास्त्र बैच खरीद लो, पूरा एक साल पढ़ते रहो आराम से. ऑप्शन बी यहाँ पर कह रहे हैं लोग. चलिए देखते हैं, 12 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, माइनस 7 आना चाहिए, तो माइनस 4 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 एंड 3. x की वैल्यू आ गई 4 एंड 3. इसकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 एंड माइनस, देखो इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, प्लस 1 आना चाहिए, तो 4 एंड माइनस 3 करके आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4 एंड प्लस 3, माइनस 4 एंड प्लस 3. तो हम देख रहे हैं 4 इन दोनों से बड़ा है और 3 इससे बड़ा है, इसके बराबर है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y. x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, यानी कि ऑप्शन बी. ठीक है, ओके. अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से. अब ऐसे सवाल ना एग्जामिनर क्यों देता है, ये उन बच्चों के लिए देता है जो फ्रेशर होते हैं, जिन्होंने कभी क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ा नहीं, जो ऐसे ही पेपर देने पहुंच गए, फॉर्म भरा और चलो पेपर देने पहुंच गए. ठीक है, वो इसको गलत कर देते हैं. कैसे कर देते हैं कि सर x की वैल्यू रूट 729 हो गई और ये रूट 529 है, तो ये x बड़ा है y से, है ना. ज़्यादातर लोग जो नए होते हैं, और ऐसे 90% लोग होते हैं जो इसको गलत करते हैं, है ना. पर आप ये गलती मत करना, इसमें जो है दोनों वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव. 729 का स्क्वायर रूट होता है 27, तो प्लस 27 और माइनस 27 दोनों आएंगी, और y की वैल्यू आएगी, केवल रूट है यहाँ पर, स्क्वायर नहीं है, तो केवल एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी 23. तो प्लस 27 इससे बड़ा है और माइनस 27 इससे छोटा है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, ऑप्शन ई. ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखो, x की पावर 4 माइनस 227 बराबर 398, और सेकंड इज y स्क्वायर प्लस 321 इक्वल्स टू 346. बताएं जल्दी से. थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच. ऑप्शन ई, ऑप्शन ई यहां पर लोग कह रहे हैं ऑप्शन ई. चलिए तो देखो, x की पावर 4 बराबर इन दोनों का सम हो जाएगा कितना, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, 8 और 7 15 कैरी 1 12 625. तो x जो आएगा वो x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25. तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस 5 और माइनस 5 दोनों आएंगी. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए. ओके, देन y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, y स्क्वायर बराबर हो गया यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, दिस इज 5, दिस इज 2, 25. तो y की वैल्यू भी प्लस 5 और माइनस 5 दोनों आएंगी. तो आप जरा देखेंगे कि प्लस 5 इससे बराबर है, इससे बड़ा है, और माइनस 5 इससे छोटा है. तो x की ये वैल्यू y की इस वैल्यू से बड़ी है, और x की ये वैल्यू y की इस वैल्यू से छोटी है. दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन. आंसर आएगा नो रिलेशन. कुछ लोग b कह रहे हैं, वो गलत है, नो रिलेशन आएगा भाई. क्वेश्चन नंबर 16 देखो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने, 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. हाँ जी सर, अगर दोनों नेगेटिव में हो तो ऑलवेज सी एंड यू 1. हाँ बिल्कुल, अगर दोनों मतलब दोनों में जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव में, एक ही साइड लेकर आकर, जैसे मैं आपको बोल दूं कि x स्क्वायर बराबर 25 एक इक्वेशन है और y स्क्वायर बराबर 36 एक इक्वेशन है, तो इसमें हमेशा आंसर सी एंड डी होगा. क्यों, क्योंकि ये है x स्क्वायर, मतलब इसका एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, और इसका भी एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा. तो जब भी ऐसा होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से छोटा होता है. तो
तो एक बार बड़ा एक बार छोटा, मतलब नो रिलेशन हमेशा होता है ऐसे केस में, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर बराबर 1 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बाई 9 हो गई। ध्यान से करेंगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 बाई 3 और माइनस 1 बाई 3, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। 4 इंटू 3 माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 को दो पार्ट में ब्रेक करो 11 आना चाहिए, कैसे आएगा 12 इंटू माइनस 1, ठीक है, तो इट इज 11। सो वी कैन से वाई की वैल्यूज हो जाएंगी क्या, y की वैल्यू साइन चेंज करके आएंगे माइनस 12 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, सो इट इज माइनस 3 एंड 1 बाई 4। अभी ध्यान से कंपैरिजन आपको करना है, 1 बाई 3 जो है इससे बड़ा है और 1 बाई 4 से भी बड़ा है, सीधी बात है। माइनस 1 बाई 3 इससे बड़ा है पर इससे माइनस 1 बाई 3 छोटा है ना, मतलब x की ये वाली वैल्यू y की इस वाली, इन दोनों वैल्यू से बड़ी है पर x की ये वैल्यू इससे छोटी है, छोटी है, मतलब आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन आएगा, ठीक है। एक बार एक्स बड़ा एक बार छोटा, मतलब नो रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखें, अगला सवाल आपके सामने, जल्दी से ट्राई करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 और सेकेंड इक्वेशन है 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 35 इक्वल्स टू 0, बताइए। सूरज, वी एन डी कौन सा ऑप्शन होता है, सी एन डी तो सुना है, वी एन डी क्या नया बनाया कोई, क्या है? हाँ जी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां पर कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ ई कह रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग सी कह रहे हैं, ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 है ना, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू रूट 5 और माइनस रूट 5 दोनों पॉसिबल है, ठीक है, x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। y की वैल्यू देखो 35 इंटू 4 कितना हो गया 140, 140 को से आपको 24 लाना है, तो 14 और 10 कर दो, माइनस का 14 माइनस का 10, ठीक है, तो माइनस 24 आ जाएगा। तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, y की वैल्यू इनके साइन चेंज कर दी, 14 एंड 10 डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 पॉइंट कितना आएगा, 7 बाई 2, 3.5 एंड दिस इज 5 बाई 2, 5 बाई 2 यानी 2.5। अभी ध्यान से देखो कि रूट 5 की वैल्यू लगभग क्या होती है, 2 पॉइंट मैं कहूँ 2.2 के आसपास, 2.2 के आसपास होती है, ठीक है, रूट 5 की वैल्यू 2.2 के आसपास होती है और ये है माइनस 2.2। तो आप जरा देखो 2.2 इन दोनों से डेफिनेटली छोटा है और -2.2 भी इन दोनों से छोटा है, मतलब x जो है y से छोटा है, ऑप्शन सी, क्लियर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हाँ आप स्क्वायर भी कर सकते हो, आप इन दोनों का स्क्वायर कर लो, ठीक है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत आसान मेथड है, आप वैसे ही ऑब्जर्वेशन से निकाल लोगे, स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 18th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, रिचा कह रहे हैं सर बारिश की वजह से नेटवर्क चला गया, आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आंसर में केवल ए बी या सी या डी लिखना होता है और कमेंट इतना बड़ा दे पा रहे हैं, अजीब सी बात है, कैसा नेटवर्क है भाई, ये तो बड़ा बढ़िया नेटवर्क है। माइनस 14 को दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि माइनस 5 आ जाए, कितना कैसे करेंगे, माइनस 7 एंड प्लस 2 है ना, तो x की वैल्यूज आएंगी क्या, 7 एंड माइनस 2, 7 एंड माइनस 2। y की वैल्यूज क्या आएंगी, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया 5 एंड 2, ठीक है, तो y की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 5 एंड माइनस 2, तो ये जो 7 है, ये जो 7 है वो इन दोनों से बड़ा है और माइनस 2 इससे बड़ा है और इसके बराबर है, यानी कि मैं कह सकता हूं x इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन बी, क्लियर, ठीक। चलिए अगला सवाल देखो, 5x
प्लस 7y इक्वल्स टू माइनस 43, 9x माइनस 17y इक्वल्स टू 41। हाँ जी, क्या आएगा यहां पर? ए आ रहा है विनोद का आंसर, दीपाली का आंसर ए आ रहा है। हाँ, सुरेंद्र कह रहे हैं एग्जाम 100 कूपन कोड यूज करूं तो क्या 100% डिस्काउंट मिल जाएगा? तुम ही एक चालाक हो दुनिया में, और सब तो मतलब बिना बुद्धि के पैदा हुए हैं, है ना? ऑप्शन ए यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे। मैंने आपको तरीका बताया था कि आप या तो डिवाइड करके इनका एक रेशियो निकाल लो या फिर इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, डिवाइड करके आप रेशियो निकाल सकते हो और इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो, राइट? जब आप डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 41 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 205x प्लस 41 इंटू 7, 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28, 287y and that is equal to minus 43 into 9, यानी कि minus का 9 3 जा 27 carry 2, 9 4 जा 36, 38, this is x and minus minus ये हो गया plus 43 into 17, 17 3 जा 51 carry 5, 17 4 जा 68 plus 5 is 73y। ठीक है, हम इसको इधर ले आते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 92 एंड दिस इज 3 प्लस 2 5, 592x, और इसमें से इसको माइनस इधर ले गए तो 4, ठीक है, 72 माइनस 28 या दिस इज 4 एंड दिस इज 6 माइनस 2 यानी 4, ट्रिपल 4y। ठीक, तो आप कोई काटने पीटने की जरूरत नहीं, बस इतना देख लो x अपॉन y कितना हो गया, ट्रिपल 4 अपॉन 592, ये हो गया। तो मुझे दिखाई दे रहा y जो है बड़ा है और x जो है छोटा है, y बड़ा है और x छोटा है, मतलब x। लेकिन इस मेथड का एक फ्लॉ भी है, इसमें एक दिक्कत भी है। वो दिक्कत क्या है वो आप समझो। आप मुझे एक बात बताओ, चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इसको हटा देते हैं, वो फ्लॉ की बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x अपॉन y बराबर 3/2, तो क्या आप मुझसे ये कह सकते हो कि x बड़ा है या y बड़ा है, कौन बड़ा है इनमें से? आप मुझे बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x अपॉन y है 3/2, तो इनमें कौन बड़ा है? x और y में बड़ा कौन है? हाँ जी, x बड़ा है ना, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सर x बड़ा है, लेकिन ये जो 3/2 है इसमें अगर दोनों में माइनस लगा दिया जाए तब भी ये रेशो 3/2 ही रहा, क्योंकि मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x की वैल्यू माइनस 3 और y की वैल्यू माइनस 2, तो अब कौन बड़ा हो गया माइनस 2 और माइनस 3 में से? y बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब y बड़ा हो गया, तो मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइंस, a और b के साइन क्या होंगे या x और y के साइन क्या होंगे, उस चीज में हम श्योर नहीं है, राइट? तो कभी कभी ये मेथड जो है फ्लॉप भी हो जाता है ना, कभी कभी ये फेल भी हो जाता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इसको अप्लाई करना है। अब मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा है, ये माइनस है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे लगता है कोई ना कोई वेरिएबल एक ना एक तो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते तो इनका सम नेगेटिव कभी नहीं आता, सो इसलिए हमें शुरुआत से ही ये मेथड नहीं लगाना। ठीक है, हम इनको सॉल्व कर लेंगे, इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 5 85, x 17 इंटू 7 119, y 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 4 68 और 5 73, माइनस का 731, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 63x माइनस 119y, तो 287। इन दोनों को कर दो ऐड कर दिया इनको, दिस इज 8, 148x इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कितना हुआ माइनस आएगा, ये कितना आएगा 7 प्लस 4 11, दिस इज 44। ठीक है, तो 148 का तीन गुना होता है
144 और 100 का 3 गुना 300, मतलब ये इससे 3 बार गया, तो x की वैल्यू आएगी भाई -3, x की वैल्यू -3 आएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -3 यहाँ रख दी तो -15 हो गया, वो 15 वहां से माइनस कर दिया तो माइनस का 28, तो y की वैल्यू आएगी -4। आप देख पा रहे कि यहाँ पर वही चीज हो रही है जो हमने नहीं सोची थी, मतलब जो हमने सोची थी 3/4 रेशियो तो आ रहा था, पर x और y की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव है, राइट, -3 एंड -4, तो x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेशियो अगर हम लेंगे तो हमारा आंसर यहां पर गलत हो सकता है, तो वैल्यूज आर नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रूट वाला सवाल आपके सामने, इसको ट्राई करो सभी लोग, ये रूट वाला क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिए। इसको स्किप, अरे इसको तो स्किप करना ही नहीं है, ये तो सबसे आसान चीज है, इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, SBI PO प्री में आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम। ठीक, करना क्या, देखो प्रोसेस तो वही है ना, 2 into ये क्या हो जाएगा 4√13, इनको मल्टीप्लाई किया 4√13 आ गया, और ये भी इनका सम है, 4 और रूट 13 को अलग अलग कर दो तो इनका सम क्या होगा 4+√13, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो दोनों में माइनस लगा दिए, तो इन दोनों का सम यही वैल्यू आएगी, आप इनको ऐड करोगे तो यही आएगा, और इनका प्रोडक्ट ये वैल्यू है, तो दिक्कत क्या है, फिर तो वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 4√13 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना ना भूलें। ठीक, इसी प्रकार से y की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 × 9 हो गया 90, तो ये हो गया 90√13, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि ये आ जाए, तो 18 और 5√13 अलग अलग कर दो, इनका प्रोडक्ट तो 90 हुआ ना, 18 × 5 = 90√13, माइनस माइनस लगा दो दोनों के साथ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 and 5√13 डिवाइड बाई दिस 10 से डिवाइड कर दिया, सो वी कैन से इट इज 2 times, राइट। तो आप मुझे बताइए कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8। अभी कंपैरिजन में कोई गलती हमसे यहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन में गलती होने के चांसेस हैं, तो दो वैल्यू ये हैं और दो वैल्यू ये हैं, तो टोटल 4 pair बनेंगे, इन 4 pairs को मैं यहां लिख देता हूं, एक्स और वाई के 4 pair कौन कौन से बनेंगे, देखो ये 2 का पेयर इसके साथ, 2 को मैं पहले कंपेयर करूंगा 1.8 से, फिर इस 2 को किससे कंपेयर करूंगा, इससे 2 को √13/2 से कंपेयर करूंगा, ओके, देन √13/2 को 1.8 से कंपेयर करूंगा, और √13/2 को √13/2 से कंपेयर करूंगा। ठीक, ये 4 pair हमारे बनेंगे, तो हम बोलेंगे ये तो इससे बड़ा है, ये इसके बराबर है, रूट 13 की वैल्यू लगभग 3 point something होगी, है ना, 3 और 4 के बीच में होगी, देखो अगर ये 4 होता, मतलब ये रूट 16 होता तो ये 4 हो जाता, 4/2 कितना हो जाता 2, तब इसके बराबर होता, लेकिन अभी ये रूट 13 है, रूट 16 नहीं है, तो यानी कि ये इससे छोटा है, और आगे तो मुझे फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, सॉरी ये छोटा है, ये मतलब अगर ये 2, अगर ये 16 होता रूट 16 तो 4 बनता, 4/2 2 होता तब बराबर होता, लेकिन अभी इससे क्या है छोटा है, तो फिर आगे देखने की जरूरत है, यहां पर ये बराबर हो गया, पर अभी इनको मैं कैसे कंपेयर करूं, देखो इसके इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी स्मार्टनेस, स्मार्टनेस कैसे, कि ये डिवाइड बाई 2 है तो मैं इसको क्या लिख दूं 3.6/2 लिख दूं, डिवाइड बाई 2 के टर्म्स में 3.6/2, 3.6 किसका स्क्वायर है भाई, 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, आप ये जानते हो कि 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो क्या 3.6 को मैं 12.96 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूं, यस yes, तो इसको मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 12.96, तो मैंने इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 12.96 और नीचे तो 2 था ही, ठीक है, तो 1.8 को कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया, राइट, और अब कंपेयर करो 2 2 तो बराबर है, रूट के अंदर ये जो पार्ट है वो इससे बड़ा है, मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है, बड़ी है कि नहीं, तो रूट 13 की वैल्यू निकालने के चक्कर में मत पड़ना, उस वैल्यू को ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, तो मैं बोलूंगा 3 बार एक्स वाला है, 1 बार एक्स वाई के बराबर है, तो आई कैन से एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, दैट मीन्स ऑप्शन बी, क्लियर है, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन सिमिलर है,
तो पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, इसको ट्राई करें सभी लोग। -56 और यहां पर ये, यहां पर ये चीज दिक्कत है कि पॉइंट में है, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहां प्लस वन चाहिए, यहां आपको क्या चाहिए, प्लस वन, प्लस वन चाहिए, तो कैसे लाऊं 8 और -7 करके, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -8 एंड +7, -8 एंड +7, राइट। और यहां पर 115, देखो 0.5 हटाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में, सो 2y² + 43y + 230 = 0, ये आ गया 230 इंटू ये कितना हो गया 460। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, मुझे 43 आना चाहिए। कैसे आएगा, इसको मैं 23 इंटू 20 लिख दूं, 20 को 4 इंटू 5 लिख दूं, है ना, 4 को 2 इंटू 2 लिख दूं और 5 लिख दूं, ठीक है भाई। मैंने इसको 23 इंटू 20 लिखा, 20 को मैंने ऐसे फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये हो जाएगा कैसे यहां पर 43 लाएं, कैसे यहां पर 43 लाएं, तो 5 इंटू 4 20, हाँ ये हो गया 20 और ये हो गया 23, हो गया 20 और 23, इसी से आ रहा है 43, तो ठीक है। तो y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, y की वैल्यूज हो जाएंगी माइनस का 23 और प्लस का माइनस का 20 और डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया माइनस का 11.5 और माइनस का 10। तो अब आप कंपेयर करो कि ये जो माइनस 8 है वो इन दोनों से बड़ा है और प्लस 7 तो इन दोनों से बड़ा है ही, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, तो दैट मीन्स x बड़ा है y से, ऑप्शन ए, क्लियर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ मूव करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी पॉइंट में है, ठीक है, तो पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं, 0.5 कहीं भी देखे आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 चला जाएगा। हाँ जी, हाँ ऑप्शन सी यहां पर कई लोगों का आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बीच में ऑप्शन ई भी कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखो 3 को मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है अभी, लेकिन यहां पॉइंट में है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा 2x² - 7x + 6 = 0, तो 6 × 2 कितना हो गया 12, 12 को दो पार्ट में ब्रेक किया 7 आना चाहिए, तो 4 एंड 3 कर दिया, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 4 एंड 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 एंड 1.5, ये x की वैल्यूज आ गई। y की वैल्यूज क्या आएंगी, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y² - 9y + 10 = 0, ये आ गया 20, 20 को दो पार्ट में ब्रेक किया तो 5 एंड 4, -5 - 4, तो y की वैल्यूज आ जाएंगी 5 एंड 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2.5 एंड 2, तो मैं 2 देखता हूं कि 2 इससे छोटा है और इसके बराबर है और 1.5 इन दोनों से छोटा है, मतलब x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y, ऑप्शन डी इसका आंसर है, डी देख लो इसका आंसर क्या है, डी है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से ट्राई करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 6x² - 47x + 77 = 0, सेकेंड इज 12y² - 65y + 77 = 0, हाँ जी, तो फिरोज का आंसर आ चुका है डी, हाँ जी, ठीक है, चलिए देखते हैं।
देखो 6 × 77 मैंने किया तो मल्टीप्लाई करके मत लिखो इसको, ऐसे ही लिख दो 6 × 77। इसको तो मैं ऐसे ही ब्रेक करूंगा 11 × 7 और इसको लिखूंगा 2 × 3। ठीक है, 47 कैसे आएगा, 47 कैसे आएगा, 33 + 14 उससे तो नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ये हो गया 33 और ये हो गया 14। तो 33 और 14 से -33 − 14 से इनका सम 47 हो जाएगा। तो x की वैल्यूज क्या होगी, x की वैल्यू होगी 33 और 14, साइन चेंज कर दिए, डिवाइड बाई 6, अभी ऐसे ही रहने दो, अभी कुछ मत करो, डिवाइड करो ही मत, ऐसे ही रहने दो। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया 12 × 77, क्या हो गया 12 × 77। 12 को मैं लिख सकता हूं 4 × 3, 12 को लिख सकता हूं 4 × 3 और इसको 7 × 11 लिख सकता हूं। ठीक है, तो 65 कैसे आएगा, 65 कैसे आएगा यहां पर, हाँ तो 7 × 3 = 21 एंड 11 × 4 = 44, तो ये आ गया 21 और 44, 21 और 44 इससे आ जाएगा 65, आ जाएगा कि नहीं। तो y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनके साइन चेंज कर दिए 21 और 44 और डिवाइड बाई क्या कर दिया 12 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप मेरे को ये बात बताओ कि एक तो हम डिवाइड कर लें, एक रास्ता तो वो है, दूसरा ये कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लो। सेम कैसे बनाएंगे, इनको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 66/12 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 28/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अब मैं डिनोमिनेटर को तो इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि सब में डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपेरिजन में उसका कोई रोल होगा नहीं, कंपेरिजन में कोई रोल होगा नहीं। अब मैं बस इतना देखूंगा 66 इन दोनों से बड़ा है और 28 इससे बड़ा है पर इससे छोटा है, मतलब नो रिलेशन हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया, नो रिलेशन, यस और नो, ऑप्शन ई, यस। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 ये है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसको ट्राई करें। हाँ जी, ये वाला स्किप कर देंगे, चलो एग्जाम में स्किप कर देना भैया, यहां तो कर लो, यहां तो कर सकते हो। देखो √10 है और ये √154 है, पहले मैं इन दोनों का करूंगा मल्टीप्लाई, है ना, तो √10 × √154 हो गया, √10 × √154 हो गया। आप मुझे यहां पर मुझे तीन कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो √2 + √7 और एक √55। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इसको √5 और √2 में ब्रेक कर सकता हूं, √5 × √2 इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, √5 × √2 मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, √5 और √2 मैंने इसको लिख दिया और इसको मैंने क्या लिख दिया, रूट, ये 11 का मल्टीपल है, √11 × √14 लिख दिया। 14 को भी मैं 2 × 7 लिख सकता हूं, 2 × 7 लिख सकता हूं, राइट, 14 को भी 2 × 7 लिख सकता हूं, यस, ओके, बताइए जल्दी से, लिख सकते हैं कि नहीं, तो फिर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं, हाँ जी दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, राइट, दो पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 + √7,
टू प्लस रूट सेवन तो एक पार्ट आ गया, टू रूट सेवन है यहां पर, टू रूट सेवन है, ठीक है। अभी देखो टू प्लस रूट सेवन है एक्चुअली यहां पर है क्या कि ये टू प्लस रूट सेवन है और ये रूट फिफ्टी फाइव है। तो अगर मैं एक काम करता हूं, रूट फिफ्टी फाइव मेरे को चाहिए, मैंने इनको एक तरफ ले लिया, जैसे मैंने इसको लिख दिया देखो रूट टू और इलेवन फाइव या रूट फिफ्टी फाइव, और इसको मैंने लिख दिया रूट टू एंड रूट सेवन, तो क्या इन दोनों नंबर्स का सम ये होगा कि नहीं होगा, इन दो नंबर्स का सम ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, राइट, इसके बराबर होगा, राइट। तो रूट टू अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो रूट टू आ जाएगा, इनको ऐड करूंगा रूट टू आ जाएगा, अगर अगला आ जाएगा रूट फिफ्टी फाइव प्लस रूट सेवन, रूट फिफ्टी फाइव प्लस रूट सेवन, इन दोनों को ऐड करके, टू प्लस रूट सेवन प्लस, नहीं ये तो नहीं आ रहा इनका सम, ये सम आ रहा है क्या, हाँ जी एक सेकेंड, हाँ जी कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, रूट टू प्लस टू रूट सेवन, टू प्लस रूट सेवन कैसे आ सकता है, टू प्लस रूट सेवन एंड रूट फिफ्टी फाइव, कोई आइडिया लग रहा है यहां पर, कुछ ना कुछ या तो इसमें मिस्टेक है, या तो कुछ मिस्टेक है, या तो देखो ये ऐसे होना चाहिए, मतलब टू प्लस नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसे होगा तो फिर तो ये सवाल डन है, जैसे टू रूट सेवन है तो टू रूट सेवन तो ये बन ही जाएगा भाई, टू रूट सेवन तो बन ही जाएगा ना, रूट टू इंटू रूट टू तो ये टू हो गया और ये रूट सेवन, और ये इलेवन इंटू फाइव रूट फिफ्टी फाइव हो गया, तो ये तो सही है, लेकिन अगर बीच में प्लस है तो ये सवाल नहीं हो सकता, फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, राइट, ये सीधी सी बात है, क्लियर। तो अभी इस क्वेश्चन को अभी इसके लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहां पर डाउट है कि ये प्लस नहीं होना चाहिए, ये इनटू होना चाहिए। अगला सवाल देखो तब तक आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इसको ट्राई करेंगे सभी लोग। सेवन एक्स प्लस नाइन वाई इक्वल्स टू फोर्टी फाइव एंड फोर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई इक्वल्स टू थर्टी सिक्स, बताएं जरा इसको। देखो 9 और 15 को या 7 और 14 को इजीली हम इक्वल कर सकते हैं, राइट, कैसे कर सकते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 14x प्लस 18y इक्वल्स टू 90, राइट। अब मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देता हूं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3y इक्वल्स टू व्हाट, 3y इक्वल्स टू 44, ठीक है, या 54, 3y इक्वल्स टू 54, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, राइट। मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस किया तो 3y इक्वल्स टू आ गया 54, तो y की वैल्यू आ जाएगी 18, राइट, y की वैल्यू 18 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 माइनस 18 इंटू 9 कितना हो गया 162 और डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया माइनस 117 बाई 7, तो वाई की एक्स की वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो एक्स इज डेफिनेटली लेस देन वाई, आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक। अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 इक्वल्स टू जीरो, वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 156 इक्वल्स टू जीरो,
हाँ जी, 132 को दो पार्ट्स में ब्रेक करें कितना आएगा, 23 लाने के लिए मुझे 11 इंटू 12 करना पड़ेगा, माइनस 11 माइनस 12, राइट, माइनस 11 माइनस 12. 156 को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, कैसे करूंगा, 12 इंटू 13 कर दूंगा, माइनस 12 माइनस 13, ठीक है. तो x की वैल्यू आ गई 11 एंड 12, साइन चेंज कर दी. y की वैल्यू क्या आ गई, 12 एंड 13. तो ये 11 इन दोनों से छोटा है, 12 इसके बराबर है, इससे छोटा है, मतलब x इज आइदर लेस देन और इक्वल टू y, यानी कि ऑप्शन डी. ठीक, क्वेश्चन नंबर 27. तो एक काम करना आप, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 एंड 30 ये होमवर्क में आप ट्राई कर लेना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क, ठीक. क्वेश्चन नंबर 29 ये करना है ट्राई, ये यहीं पर कर लो. चलो क्वेश्चन नंबर 29 यहीं पर ट्राई कर लो, या कर लेना होमवर्क में आप कर लोगे. पहले यहां से y की वैल्यू निकाल लेना, y की वैल्यू जब आप यहां निकाल कर यहां पुट करोगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन बस एक चीज याद रखनी है कि इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, प्लस 22 माइनस, सो प्लस 28 और माइनस 28 दोनों आएगा, ठीक है. ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 ये भी ट्राई करना होमवर्क में, ठीक है. तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कल सुबह 9 बजे मिलेंगे. कल सुबह 9 AM पर सुबह एरिथमेटिक फॉर मेंस की क्लास है, जो सीरीज हमारी चल रही है लगातार 3 दिन से, तो वो कंटिन्यू होगी. तो उसमें आना मत भूलिएगा सभी लोग, ठीक है, उसमें ज़रूर आइएगा, ओके. और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, गुड नाइट.